हेलो ब्रियन, वेलकम टू डी के बी एम एस इलेक्ट्रिकल। आज मैं बात करूंगा, जैसे हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आपका जैसे ये आपका 29 फ्लोर का है, तो इस फ्लोर में आपका कितना एच यू यूनिट है, कितना डी डी सी पैनल है, और उस डी डी सी पैनल से कितना हमारा फील्ड में पॉइंट लिया गया है, और केबल का यहाँ पर फुल डिटेल्स दिया गया कि क्या क्या इसमें केबल डालना है, और आपका फील्ड में क्या क्या पॉइंट है, जैसे एक एनालॉग इनपुट पॉइंट है तो वो भी आइडेंटिफाई किया हुआ है आपको। तो जैसे मॉनिटर में आपको दिख रहा है पूरा, मैं ये मतलब एच डी में अपनी वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी जो है आपको मतलब एकदम ड्राइंग जो है पतला टाइप का रहता है, तो शो नहीं रहा, कुछ भी आपको पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो स्क्रीन पर ले आता हूँ, इसको और भी जूम करेंगे तो ज़्यादा फट जाता है, बड़ा स्क्रीन पर लेने पर यह फट जाता है ड्राइंग। ठीक है, अच्छा से दिखता नहीं है, तो फिर मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर ले आता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ किस तरह से इसका वायरिंग किया गया है और वायरिंग करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट लिया गया है। आपका जो एच यू यूनिट है हमारा, एक फ्लोर में आपका चार एच यू यूनिट है, फिर आपका एक कैसेट यूनिट है, तो टोटल पाँच है और हमारा चार डी डी सी इंस्टॉल हुआ है और सभी में थ्री कंट्रोलर रहेगा। आपका 75% आपका आईओ पोर्ट इस्तेमाल होगा और 25% जो है एक्सपायर रहेगा। फ्यूचर में और कोई चीज़ आपको इंक्लूड करना है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, तो 25% इसलिए एक्सपायर पॉइंट छोड़ा जाएगा। तो थ्री कंट्रोलर वाला पैनल है, तो चलिए आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि बहुत सारा लोगों का कहना था कि मतलब वीडियो में एड बहुत आता है, तो मैंने मेरा जो गूगल पे नंबर दे दिया हूँ, आपको कुछ सपोर्ट करना है, मदद करना है मेरा चैनल को या मुझे, तो उस नंबर पे गूगल पे थ्रू द्वारा आप कर सकते हैं मुझे मदद के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखे होंगे चैनल तो मोनेटाइज है, लेकिन बाकी कुछ अर्निंग वगैरह नहीं है, इसलिए सपोर्ट के लिए मैं नंबर दे दिया हूँ। ठीक है, तो अभी क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एस टी साउथ टावर आई पी सी नंबर 16 डी डी सी पैनल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए डी डी सी 1 में आपका सबसे पहले डी डी सी में आपका यूपीएस पावर सॉकेट चाहिए, तो बगल में आपका रेड कलर का मार्किंग जो है वो आपको दिखा है, उसका बगल में आपका लैंड पॉइंट है, लोकल एरिया नेटवर्क जो पॉइंट है दिया हुआ है। तो ये जो है डी डी सी 1 जो है ये मास्टर वाला है, यहाँ से आपका दूसरा डी डी सी जितना भी आपका 90 कंट्रोलर तक कम्युनिकेशन करने के लिए और भी डी डी सी को इंस्टॉल किया जाता है। इस मास्टर कंट्रोलर से 90 कंट्रोलर आप इसमें से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उसमें से भी और भी अलग अलग टाइप का दिया हुआ रहेगा, जैसे बी एफ डी हो गया, बी टी ओ हो गया, बी ए बी हो गया, रेजिमीटर हो गया, जो भी आपका थर्ड पार्टी वाला कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं, तो फिर मतलब मान लीजिए एक चैनल में इसमें क्या कि 30 दे सकते हैं, फिर दूसरा में 30, फिर तीसरा में 30, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो एक चैनल में आप जो भी डी डी सी कंट्रोलर जो है 30 पीस दे दिया और दूसरा में बीएफडी कुछ आपका 25 या जितना भी आएगा मैक्सिमम 30 तक आएगा, तो 25 या 16-15 जितना भी आप दे सकते हैं। तीसरा में बी टू मीटर इस तरह का दिया तो उतना भी दे सकते हैं, या अदर जो है आपका बीएफडी हो गया, जो भी यूपीएस हो गया, तो उस तरह का थर्ड पार्टी वाला आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ डी डी सी 1 जो है डी डी सी से केबल हमारा देख लीजिए, जो बहुत सारा केबल गया है यूनिट में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का इधर पे है इसका बी एफ डी पैनल एंड स्टेटर पैनल, बी एफ डी पैनल में आया है। ठीक है, तो बी एफ डी एंड स्टेटर पैनल में कितना केबल आया है यहाँ पर देखिए, पावर स्टेटर पैनल एंड बी एफ डी 2 रन 2 कोर एंड 1 रन 4 कोर, मतलब 2 जाएगा आपका 2 कोर का और 1 जाएगा 4 कोर का बी एफ डी स्टेटर पैनल में डी डी सी से। ये हो गया, उसके बाद चलते हैं फील्ड का। ठीक है, तो फील्ड में आपका डी डी सी से यहाँ पर देखिए कितना केबल जाएगा, इस तरफ से पहले देखिए जो ग्रीन कलर का आपका दिख रहा है केबल, यहाँ पर देखिए रिटर्न एयर सी ओ 2 1 रन 4 कोर, एक 4 कोर का केबल आएगा रिटर्न एयर जहाँ पर है इंस्टॉल होगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसका बगल में आर ए टेम्परेचर रिटर्न एयर टेम्परेचर 1 रन ऑफ 2 कोर, एक 2 कोर का रिटर्न एयर टेम्परेचर वहाँ पर इंस्टॉल रहेगा, लोकेशन भी यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद और एक यहाँ पर देख लीजिए जो डी पी एस लिखा हुआ है, डी पी एस है यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है, ये जैसे आपका है एच यू फैन रन स्टेटस 1 रन ऑफ 2 कोर, रन स्टेटस बताएगा ये डी पी एस, डी पी एस का मीन्स होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, तो डी पी एस यहाँ पर एक इंस्टॉल रहेगा। तो आपका ये साइड क्या हो गया आपका सी ओ 2 टेम्परेचर और डी पी एस, दो तीन हो गया आपका इधर का। अब चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर कलर भी देख लीजिए, तीनों का देख लीजिए, तीनों का जो अलग अलग कलर आया हुआ। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद चलते हैं जो केबल हमारा आया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये साइड में आते हैं, तो आपका यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है जैसे आपको दिख रहा है, कंट्रोल ऑफ टू वे मॉड्यूलेटिंग वाल्व एंड वाल्व पोजीशन फीडबैक। ठीक है, इसके लिए केबल हमारा कितना आएगा ये मेंशन अभी इधर साइड में दिया हुआ, ये जैसे दिख रहा है ये हमारा 1 रन ऑफ 2 कोर 1 रन 4 कोर, एक 2 कोर का और एक 4 कोर का केबल आएगा यहाँ पर, जो हमारा जो केबल आया हुआ है आपका मॉड्यूलेटिंग वाला वाल्व जहाँ पर इंस्टॉल रहेगा, जैसे जीपीएस और एक दिया हुआ है फिल्टर क्लॉक स्टेटस बताएगा, फिल्टर क्लीन और क्लॉक स्टेटस बताएगा, तो 1 रन ऑफ 2 कोर ये भी आपका 2 कोर का केबल आएगा। ठीक है, और केबल उठा है देख लीजिए वहाँ पर जो है, और एक केबल उठा है यहाँ पर, ये देख लीजिए एयर फ्लो वॉल्यूम कंट्रोल डंपर पोजीशन बताएगा, कंट्रोल पोजीशन बताएगा, ये जो 1 रन ऑफ 2 कोर, ये कंट्रोल ये जो है मॉड्यूलेटिंग वाला, तो मॉड्यूलेटिंग वाला में इसमें 24 वोल्ट पावर चाहिए तो आपका 24 वोल्ट पावर जो है एचवीएसी डिपार्टमेंट देगा, हम लोग को क्या है 0-10 वोल्ट सिग्नल देना है, तो 0-10 वोल्ट जब देंगे तो डंपर ओपन हो जाएगा, तो इसीलिए 2 कोर दिया हुआ है। क्या है आपका जो डीडीसी पैनल में चला जाता है, तो ये हो गया आपका एक यूनिट का। ठीक है, और भी केबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए जैसे आपका लेफ्ट साइड जो केबल आया हुआ है यहाँ से जो आपका थोड़ा सा ग्रीन से कम हो गया, इस तरह से आपका यहाँ पर भी देखेंगे जो हमारा डीडीसी 2 है
डीडीसी टू जो है इसमें भी सेम उसी तरीका से केबल दिया हुआ। इधर पे आपका जो है टेम्परेचर सीओ टू डीपीएस दिया हुआ है आपका जो है ये वाल्व का, उसके बाद उधर एक आपका डीपीएस और दिया हुआ है, और आपका यहाँ से फिर आपका एमबीसीडी आपका डंपर के लिए दिया गया है और ठीक है। तो ये हो गया दूसरा डीडीसी का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो हम लोग का बीएफडी है, बीएफडी में भी सेम इसी तरीका का केबल रहा, 2 1 2 4 1 1 4 4। तो एचयू जो यहाँ पर दो इंस्टॉल किया हुआ है सेम केबल यहाँ पर वायरिंग किया जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर दो डीडीसी है, तो यहाँ पर और एक बात आपको ध्यान देता हूँ, जैसे हमारा बीएफडी है और बीएफडी को कम्युनिकेशन करने के लिए थर्ड पार्टी चाहिए, तो थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन कहाँ से आएगा, हमारा डीडीसी पैनल से आएगा। और डीडीसी पैनल को सभी को कम्युनिकेशन कैसे करेगा, यहाँ पर थोड़ा और नजीक आपको दिया जाता है, एमएसटीपी मास्टर स्लेव टोकन पैसे। तो एमएसटीपी चैनल यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, डीडीसी जो हमारा वन है इसको मैं जूम करता हूँ, ये जैसे आपको दिख रहा है, तो अगर बात करें तो ये साइड देखिए डाउन साइड आपको दिख रहा है एक केबल निकल रहा है, थोड़ा सा कलर उसका अलग है, अपना ना ग्रीन है ना एकदम ब्लू है, तो वो केबल आपका आउट जा रहा है। हमारा जो है मास्टर कंट्रोलर एक इंस्टॉल रहेगा और वहाँ से बाकी जितना हमारा आगे मॉडल है अलग अलग आपका मॉडल इंस्टॉल किया है उस सबको कम्युनिकेशन करेगा, तो यहाँ से 2 पोर्ट केबल हमारा जाएगा 1 square mm शील्डेड वाला। तो डीडीसी से इसलिए आउटपुट एक केबल निकला है और यहाँ से दूसरा डीडीसी आया है, यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए डीडीसी 2 में आया, फिर डीडीसी 2 से आउटपुट और एक केबल गया है हमारा, ये देखिए साथ में और एक केबल जा रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और एक केबल दौड़ रहा है। तो डीडीसी से हमारा कम्युनिकेशन केबल दूसरा डीडीसी जाएगा और एक बीएफडी के लिए जा रहा है, तो बीएफडी को आपको दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए जहाँ डीडीसी है यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लोकेशन में आया हुआ है इस डीडीसी में आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीडीसी 3 में आके आपका एंट्री हुआ है, इसे फिर राइट साइड होते हुए देख लीजिए क्लिप डाला हुआ है, डीडीसी 4 में गया है, तो लेफ्ट साइड से एंट्री होकर फिर आपका राइट साइड से आउट होकर डीडीसी 4 में चला गया, डीडीसी 4 से फिर आपका आउट चला जा रहा है। ये देखिए जो हमारा आउट इधर आके हमारा जो ये साफ डोर है साफ्ट आपका बना हुआ, साफ्ट होते हुए आपका यहाँ से टेरेस फोर चला जाएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन केबल यहाँ पर लिख दिया गया, देखिए कम्युनिकेशन केबल 2PF साउथ टावर आईपीसी 16 डीडीसी 5 में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। और एक केबल जो है कम्युनिकेशन केबल 2PF ST IPC 16 से आपका डीडीसी 5 का बीएफडी में जाएगा, आउटपुट इसका केबल जो है बीएफडी का डीडीसी 5 का बीएफडी में जाएगा। तो ये दो कम्युनिकेशन जाएगा आपका मास्टर कंट्रोलर से आउटपुट होगा, इसका आगे में और डिटेल्स आपको दिखाएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगा। तो जितना दिया हुआ था फील्ड में सेंसर सेम आपका दूसरा यूनिट में भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपका वहाँ से तीसरा यूनिट में जो है इसमें भी दिया गया उतना ही, ठीक है, जितना पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर जो है सभी को आपको बीएफडी के बारे में जानकारी नहीं दिया हूँ, ठीक है, तो बीएफडी का भी आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा जो डीडीसी कंट्रोलर है मास्टर कंट्रोलर जहाँ इंस्टॉल होगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग का केबल जो उसका नजदीक वाला जो हम लोग का बीएफडी है ऑरेंज कलर या येलो कलर का आप देख लीजिए वो आउटपुट जा रहा है, दो जा रहा है, ठीक है, दो जा रहा है, लेकिन एक यहाँ से आउटपुट हुआ, दूसरा आपका सीधा चला जाएगा दूसरा बीएफडी में, ये देखिए। तो यहाँ से आउटपुट आपका ये देखिए बीएफडी में आ गया, यहाँ जो है आपका बीएफडी दिया गया है, ये देखिए बीएफडी में आके लूप हुआ, लूप होने के बाद रिटर्न चला जा रहा है, जो आप लोग का रिटर्न केबल जा रहा है, ये देखिए ये रिटर्न केबल आपका यहाँ पर जो बीएफडी 2 नंबर में आ गया, यहाँ से भी लूप होकर आपका दूसरा जो हम लोग का उधर जो है 3-4 वाला आपका दिया हुआ है बीएफडी उधर चला जाएगा, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। तो कम्युनिकेशन केबल जो हम लोग का जा रहा रूट में उसी रूट में इस बीएफडी का कम्युनिकेशन को भी ले जाना पड़ेगा, तो दो केबल को एक साथ में सेटल करते हुए चलना है, ठीक है। चलने के बाद ये जो हम लोग का ये सीधा जाके दूसरा बीएफडी में ड्रॉप होगा, यहाँ पर देखिए जो 3 नंबर बीएफडी है इसमें ड्रॉप हो गया, ये देखिए जो 3 नंबर बीएफडी है यहाँ पर ड्रॉप हो गया, 3 नंबर बीएफडी से ड्रॉप होकर फिर लूप होकर आपका 4 नंबर बीएफडी में जाएगा, ये 4 नंबर बीएफडी में ड्रॉप हो गया, जैसे आपको दिख रहा है ये 4 नंबर बीएफडी में ड्रॉप हो गया, और यहाँ से आपका लूप केबल आउट निकल जा रहा है आपका, ठीक है। आउट निकलने के बाद वही साफ्ट में चला गया, जैसे आपको पहले जानकारी दिया था, जो ये देखिए सीधा चला जा रहा है, ये साफ्ट है, साफ्ट में आपका ट्रांसफॉर्मर चला गया है बीएफडी। तो कम्युनिकेशन आपका इस तरह से होगा, सेंसर उस तरह से दिया हुआ है और केबल कितना कहाँ कौन सा लोकेशन में, ये सारा जानकारी आपको दे दिया हूँ, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट में इस तरह से आप जब काम करते हैं बीएमएस का बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम का, तो ये ड्राइंग के द्वारा आप आसानी से काम कर सकते हैं कितना केबल कहाँ गया है। ये प्रोजेक्ट आपका देख रहा है 4 यूनिट है, 4 आपका एयर हैंडलिंग यूनिट है एक फ्लोर में, डीडीसी पैनल 4 है, बीएफडी 4 है। ये हो गया कम्युनिकेशन केबल हो गया, फील्ड का सेंसर के लिए कितना केबल हो गया, ये सारा जानकारी। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, मॉडल और आपका क्वांटिटी ये सब दिया हुआ। तो आपका डीडीसी 1, 2, 3, 4 टाइप का आया हुआ है, 1 कंट्रोलर वाला जो डीडीसी पैनल है ये 17 पीस है, और 2 कंट्रोल वाला 40, और 3 कंट्रोलर आपका 209, और 4 कंट्रोलर वाला 13 पीस आया हुआ है, ठीक है। ये हो गया डीडीसी पैनल हमारा इतना है। उसके बाद आते हैं इसमें अंदर में जो कंट्रोलर है अलग अलग टाइप का है वो भी, ये देखिए जैसे सीपी कोर पी कोर जो कंट्रोलर है ये आपका 15 पीस है, फिर सीपी आईपीसी जो है ये हमारा 63 पीस है, सीपी एसपीसी जो है ये हमारा
676 पीस है और सीपी एक्सपीओ जो है ये हमारा 62 पीस है और नीचे में और भी जो है डीआईओ, तो नीचे जो डीआईओ है हमारा ये 33 पीस है। ठीक है, ये हो गया आयो मॉडल कंट्रोल आर करना। लेकिन उसके बाद और हमारा टेम्परेचर हो गया डार्क टाइप टेम्परेचर जो है ये आपका 286 पीस है। वॉल माउंट आपका टेम्परेचर सेंसर जो है ये हमारा 12 पीस है। इमरसन अपना टाइप जो टेम्परेचर सेंसर है ये 48 पीस है। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो है ये हमारा 548 पीस है। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आपका 303 पीस है। और उसके बाद प्रेशर ट्रांसमीटर जो वाटर वाला है ये आपका 8 पीस है। वाटर प्रेशर ट्रांसमीटर जो है ये हमारा 8 पीस है। और CO2 सेंसर जो है हमारा 264 पीस है। तो उसके बाद केबल के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे 241 स्क्वायर में आर्मोर केबल रहेगा, मल्टी स्टैंडर्ड पीवीसी पैरेलल केबल रहेगा जो हमारा यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दे दिया है कितना 50,460 मीटर बताया। कोर केबल जो है वन स्क्वायर में आपका 12,140 मीटर का कुछ आसपास जरूरत पड़ेगा। टू कोर का वन स्क्वायर में आपका ATC केबल कंडक्टर मल्टी स्टैंडर्ड स्क्रीन है पीवीसी पैरेलल केबल जो है ये आपका 25,710 मीटर जरूरत है। फिर फोर कोर आपका वन स्क्वायर में जो है आर्मोर ATC कंडक्टर मल्टी स्टैंडर्ड स्क्रीन है पीवीसी पैरेलल केबल जो है 15,580 मीटर का कुछ आसपास जरूरत है। ठीक है, तो केबल ये हो गया। नीचे में और जो है थ्री कोर का केबल भी चाहिए। थ्री कोर केबल जो है वन स्क्वायर में आपका आर्मोर ATC कंडक्टर मल्टी स्टैंडर्ड केबल पीवीसी पैरेलल 15,540 मीटर इसका भी जरूरत है। बट और नोट कर लीजिए, जैसे यूनिवर्सल इनपुट कैन बी यूज एज डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट, ओनली BMS केबल रन आर शो टू स्टार्टअप पैनल नॉट इन आवर स्कोप HDDC 25% एस्पायर इंक्लूडिंग। यानी कि बता रहा जो यूनिवर्सल इनपुट है आपका उसे डिजिटल इनपुट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो है स्टार्टअप पैनल में भी दिया जा सकता है। और 25% जो है हमारा स्पायर पॉइंट भी रहेगा, 25% जितना जरूरत है उससे 25% स्पायर पॉइंट रखा जाएगा। ये स्पायर इसलिए कि मतलब फ्यूचर में कोई सेंसर आपका जरूरत पड़ेगा या कोई और डिवाइस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका स्टेटस भी आपको मिल जाएगा इस TDC में। 25% जो आपका स्पायर रखा गया है उसके द्वारा आप ले सकते हैं। लेकिन स्पायर नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में कोई आप जरूरत का सामान इंस्टॉल करते हैं आपका HU रूम पे तो काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए अलग से DDC अलग से कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। अभी क्या है इसी DDC पैनल से फ्यूचर में आप लगा सकते हैं, इसलिए 25% जो आपका स्पायर इंक्लूडिंग दिया हुआ है। तो सिंबल जो है कंट्रोलर में पॉइंट कितना किसमें दिया हुआ है, CP IPC में आपका 8 है, DI आपका 6 है, AO 6 है और DO 4 है। उसके बाद CP SPC में आपका AI 6 है और TI 4 है, AO 3 है और DO 8 है। उसके बाद CP XPO में आपका AI 8 है, DI 6 है, AO 6 है और DO 4 है। उसके बाद CP DIO में आपका AI 8 है, DI 8 है, उसके बाद AO आपका पॉइंट नहीं है और DO आपका 16 पॉइंट है। तो इतना जो हम लोग का जो IO मॉडल है उसमें पॉइंट इतना एक आपका कंट्रोलर में कितना पॉइंट दिया हुआ है ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो जैसे कि पहले बता रहा था कि ये जो हमारा DDC और आपका जो BFD को कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाएगा ये चलिए जान लेते हैं। तो कंट्रोलर जो आपको है CP IPC है, जैसे आपको दिख रहा है CP IPC से हमारा जो है इसमें तीन चैनल दिया होता है, तीन चैनल, एक चैनल में आपका 30 आपका कंट्रोलर कम्युनिकेशन करेगा, दूसरा में 30, तीसरा में 30, तो टोटल आपका 90 कम्युनिकेशन कंट्रोलर कर सकते हैं। उसके बाद उसका और भी है XPO को भी ये कम्युनिकेशन कर सकता है, तो उसका नीचे में जैसे दिख रहा है तो टोटल आपका दिख रहा है 4 आपका लाइन दिया हुआ, 4 आपका कम्युनिकेशन लाइन। तो आपका RS-485 का जो XPO को है इसमें आपका ज़्यादा नहीं 10 से 15 इतना कम्युनिकेशन कर रहा है, बाकी उधर जो है 90 कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन अलग अलग इसमें से आप ले सकते हैं, जैसे हमारा फास्ट वाला जो है आपका निकल रहा चैनल जो यहाँ पर देख लीजिए MSTP CH1, यानी कि MSTP जो चैनल है ये 1 है, उसके ऊपर में MSTP चैनल 2, MSTP चैनल 3 जो है ये स्पायर है, MSTP 1 और 2 में यहाँ पर है। उसके बाद जो नीचे में आपका जो RS-485 इसमें खाली एक ही कंट्रोलर XPO को हम लोग का कम्युनिकेशन किया गया है, ये जो है XPO कंट्रोलर जो है इसी को कम्युनिकेशन किया गया है। लेकिन MSTP 1 में हम लोग का क्या क्या दिया है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का MSTP जो 1 है CP SPC में आया, CP SPC को कम्युनिकेशन करने के बाद दूसरा SPC में चला गया, दूसरा को फिर लूप करते हुए अपना तीसरा में गया, तीसरा को भी लूप करते हुए और जो ऊपर में हम लोग का है जैसे मैं अब छोटा कर देता हूँ आपको समझने में सुविधा होगा। ठीक है, ये जैसे मैं छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा तीसरा को कम्युनिकेशन करते हुए फिर पांचवा छठा को दिया है, फिर सातवा आठवा नौवा को, इस तरह से 30 कंट्रोलर को कम्युनिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इस फ्लोर में इतना ही है हम लोग का, तो इसलिए यहाँ पर जो है 9 आपका हो गया SPC कंट्रोलर को कम्युनिकेशन कर रहा है और एक आपका XPO को, तो ये हो गया। उसके बाद इसका चैनल 2 में MSTP जो 2 है यहाँ पर देखिए MSTP जो 2 है, MSTP जो चैनल 2 है ये केबल हम लोग का कहाँ गया, ये मास्टर वाला जो IPC है यहाँ से निकाल के हमारा जो केबल चला गया है ये देखिए BFD का पहला जो DDC पैनल का BFD में कम्युनिकेशन के लिए ये एंट्री हुआ, फिर वहाँ से लूप आउट होकर दूसरा BFD में गया, फिर दूसरा से आपका तीसरा BFD में गया, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा, छठा से सातवा, आठवा, फिर आठवा से नौवा, दसवा, ग्यारह, बारह, तो 12 यहाँ पर BFD दिया गया, तो 12 को कम्युनिकेशन करेगा इस आपका
आईटीसी कंट्रोलर में, ठीक है। तो 12 से आपका इसमें मैक्सिमम आपका 30 तक ले सकते, तो 12 हमारा अवेलेबल था वीएफडी, तो 12 का कनेक्शन करेगा। और इस फ्लो का इसमें 10 आपका देख एप्लीकेशन करने के लिए कंट्रोलर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो नीचे में चलते हैं, ये तो हो गया कम्युनिकेशन का पार्ट। जैसे एक बार फिर देख लीजिए, हम लोग का यहाँ पर 4 डीडीसी पैनल है, तो जैसे लेफ्ट साइड में एक दिख रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चौथा है, तो हमारा जो है यहाँ पर पहला जो मैं जानकारी दिया हुआ एक नंबर का किस तरह से कहा केबल गया है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी दिया गया, थोड़ा सा अच्छा से समझाने के लिए या समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए हम लोग का जो साउथ टावर आईपीसी 16 डीडीसी 1 का यह है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अच्छा से अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। सबसे पहले जो ये देखिए डीडीसी से केबल हमारा आएगा क्या क्या, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, और थोड़ा जूम करना पड़ेगा हमको, तो नीचे से दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा डाउन है। मैं का पूरा ड्राइंग है मेरे पास, सीमेंट स्नाइडर जॉनसन कंट्रोलर द्वारा आपको पूरा जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकल काम किस तरह से डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है ये भी जानकारी दूंगा। तब आप सीखेंगे, पहले वायरिंग सीखेंगे, फिर डिवाइस इंस्टॉलेशन सीखेंगे, फिर पैनल टाइमेशन सीखेंगे, फिर कमिशनिंग सपोर्ट देना कैसे है, ऑनलाइन कैसे किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्या क्या हो रहा है, क्वालिटी एच यू फैन ऑन ऑफ कमांड, ये जो है डीओ पॉड है डिजिटल आउटपुट, ये लिखा हुआ है। फिर आपका केबल आएगा कितना, ये देखिए केबल जो है कितना आएगा 1 run 2 core डीडीसी पैनल से, ये देखिए हमारा जो डीडीसी पैनल है यहाँ से आएगा 1 run 2 core, ठीक है, डीडीसी पैनल से 1 run 2 core। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है एच यू फैन थ्री स्टेटस डी आई पॉइंट डिजिटल इनपुट पॉइंट है, फिर एच यू फैन ऑटो मैनुअल स्टेटस ये भी डी आई पॉइंट है, ये दोनों के लिए हमारा क्या 4 core केबल आएगा, ये स्टेटस पैनल में जाएगा, जो कमांड है वो भी अपना वो भी स्टेटस पैनल में जाएगा, कमांड है डी ओ पॉइंट जो है वो भी स्टेटस पैनल में जाएगा। तो ये दोनों ऑटो मैनुअल ट्रिप जो है 4 core दिया गया, 1 run 4 core, एक 4 core का दिया गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और एक जो दिया गया यहाँ पर देख लीजिए वीएफडी स्पीड कंट्रोल आउटपुट एनालॉग आउटपुट एओ पॉइंट दिया हुआ, ठीक है, एओ इसके लिए सेपरेट और 2 core का केबल आएगा, तो 1 run 2 core और एक आएगा। तो ऊपर में देख लीजिए 1 run 2 core आपका कमांड के लिए, फिर स्पीड कंट्रोल के लिए, और एक आपका 1 run 2 core और 4 core दिया है ऑटो मैनुअल और ट्रिप स्टेटस के लिए। तो ये हो गया आपका एच यू का जो स्टेटस वीएफडी पैनल है उसके लिए ये केबल जाएगा डीडीसी से, ठीक है। उसके बाद नीचे में चलते हैं यहाँ पर डीडीसी प्रोविजनल पॉइंट्स इन डीडीसी फॉर आपका कनेक्टिंग आफ्टर फिट आउट डेवलपमेंट केबल एंड सेंसर नॉट इन आवर स्कोप, यहाँ पर बता रहा जो केबल और सेंसर जो है और हमारे स्कोप में नहीं, ये जो दूसरा कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो नीचे में चलते हैं, जैसे हम लोग का ठेकेदार का थ्रू है, तो हनीबल काम लिया तो हनीबल का काम कर दे रहा हूँ बस, लेकिन ड्रॉइंग तो हम लोग को चाहिए ना, ड्रॉइंग के बिना कैसे काम करेंगे। तो फील्ड में जो हम लोग का क्या क्या हमारा सेंसर जो है इंस्टॉल होगा ये जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एस ए यानी कि सप्लाई या टेम्परेचर एनालॉग इनपुट, ठीक है, ये जो 1 run 2 core डीडीसी से आएगा, ठीक है, हमारा टेम्परेचर जहाँ इंस्टॉल रहेगा, तो पहले आपको जानकारी दिया हूँ। फिर डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका AI पॉइंट है, ये भी एनालॉग इनपुट 3 run 4 core, ये जो है डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर 3 run 4 core। तो यहाँ पर आपका ड्राइंग में मेंशन है चाहे तो फ्यूचर में क्योंकि 25% वहाँ पर जो है स्पार पॉइंट दिया गया। तो ये सब बातचीत अगर करते रहेंगे, जब काम होते रहेगा तो बाद में भी वो लोग ले लेता है, जब काम करेगा तो बोलेगा ये भी सेंसर डाल दो भाई, मेरा ये चीज़ नहीं चल रहा है, इसमें प्रेशर बताएगा डक जो है अब डक है उसमें एयर का प्रेशर कितना जा रहा है ये बताएगा आपका डक स्टैटिक प्रेशर सेंसर। फिर आपके सप्लाई या फायर डंपर एक्चुएटर मॉड्यूलेटिंग वाला है, ये भी बता रहा है 3 run 2 core, ठीक है, सप्लाई या फायर डंपर एक्चुएटर मॉड्यूलेटिंग वाला ये 3 run 2 core का, ये डंपर एक्चुएटर, तो डंपर जो आपका 3 है तो तीनों साइड यानी कि जैसे रिटर्न डक सप्लाई डक और आपका फ्रेश एयर डक 3 डक रहता है, तो 3 के लिए आपका 3 run 2 core है, आपका डिजिटल इनपुट बताएगा, आपका स्टेटस बताएगा, तीनों जो डंपर है ओपन है कि क्लोज है ये बताएगा, ठीक है। लेकिन इसका पावर केबल वगैरह अलग से आपको करना पड़ता है तब ये स्टेटस बताता है, तो यहाँ से लिया नहीं गया, ये सब सारा HVAC आपका डिपार्टमेंट से बात करते हैं, ये सब करना पड़ता है। रिटर्न एयर फायर डंपर एक्चुएटर मॉनिटरिंग ये भी आपका DI पॉइंट है, ये भी आपका रिटर्न एयर का हो गया, ठीक है, और वो सप्लाई आता था और उसके बाद फ्रेश आता था, तो तीनों का आपका देख लीजिए उसमें 3-3 रहेगा, इसमें भी बता रहा 3 run 2 core का, ठीक है, ये ड्राइंग में बता रहा। तो केबल अभी इसका हिसाब से नहीं डाला जाएगा, पहले जो बताया गया है उस हिसाब से डाला जाएगा, जब बाद में बोलेंगे तब ये भी डाल दिया जाएगा। फिर आपका आता है फ्रेश एयर हायर डंपर एक्चुएटर मॉनिटर फ्रेश एयर, जैसे मैं बताया सप्लाई रिटर्न, फिर आपका फ्रेश एयर ये जो डक भी रहता, तो इसका भी ये जो है फ्रेश एयर वाला जो है ये आपका 1 run 2 core, ये खाली 2 core में काम होगा, ठीक है, एक ही केबल जाएगा 2 core पर उसी में काम होगा। हम लोग का केबल हिसाब से डाल देना है, बाकी जो डिवाइस इंस्टॉल करेगा नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल के रखना पड़ेगा। बाकी डिपार्टमेंट अगर जैसे एक्चुएटर लगा के आ जाता है आपका HVAC डिपार्टमेंट इंस्टॉल करता है, दोनों इंस्टॉल करते देगा तो हम लोग ये लगा देते हैं, ठीक है, नहीं करके देता तो नहीं लगाते। तो ये हो गया आपका फील्ड का, और भी है जैसे एच यू के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे भी चेक कर लेते हैं, जो हमारा एच यू में क्या क्या आपका सेंसर फील्ड यूनिट जो है एयर हैंडलिंग यूनिट में आपका क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 1 run 2 core आपका एच यू फैन रन स्टेटस, आपका डी आई पॉइंट बताएगा डीपी स्विच इंस्टॉल करना है। फिर आपका 1 run 2 core आपका फिल्टर क्लॉक स्टेटस बताएगा, ये भी आपका डी आई पॉइंट डीपी स्विच इंस्टॉल रहेगा। फिल्टर और आपका फैन रन अलग अलग जगह में इंस्टॉल होगा, आप
फैन रन जहाँ पर है आपका, जैसे सप्लाई फैन होने के बाद सप्लाई का इंस्टॉल किया जाता है और फिल्टर जो है आपका फिल्टर का पास लगाया जाता है। दोनों का जो है हमारा यहाँ पर वन रन टू कोर का जो रिटर्न या टेम्परेचर ये बताएगा, डक टाइप सेंसर है, डक में इंस्टॉल होगा आपका रिटर्न या टेम्परेचर। डक नहीं है तो आपको ऐसे वाल में या जैसे इंचू में भी फिक्स करेंगे तो भी आपका चलेगा, काम करेगा, ठीक है, डक यदि आपका नहीं रहता। फिर रहते हैं आपका वन रन फोर कोर कॉन्टैक्ट, वन रन फोर कोर आपका कंट्रोल ऑफ टू वे मॉड्यूलेटिंग वाल्व एनालॉग आउटपुट पॉइंट, ये फोर कोर दिया है, इसे दिया है तो उसमें इंक्लूड है आपका वन रन टू कोर कंट्रोल ऑफ टू वे मॉड्यूलेटिंग वाल्व पोजीशन फीडबैक बताएगा, तो फोर कोर और टू कोर उसमें आपका 24 वोल्ट पावर भी चाहिए। फिर रहते हैं वन रन फोर कोर आपका रिटर्न एयर सीओ टू एनालॉग इनपुट CO2 सेंसर है, इसके लिए भी फोर कोर, इसमें 24 वोल्ट पावर चाहिए और एक एनालॉग इनपुट का पॉइंट, तो इसलिए यहाँ पर फोर कोर दिया गया है। उसके बाद नीचे में और चलते हैं, या फ्लो वॉल्यूम कंट्रोल डम्पर पोजीशन कंट्रोल जो है एनालॉग आउटपुट है, ये जो है टू कोर केबल जाएगा, एनालॉग आउटपुट का पॉइंट देना है 0 to 10 वोल्ट, बस उसमें और कुछ नहीं है हम लोग का देना है, वो क्या हो रहा नहीं हो रहा वो हम लोग को फीडबैक यहाँ पर नहीं बताएगा हमारा BMS सिस्टम में। उसके बाद जो है फायर स्टेटस, फायर इंटरलॉक जो DI पॉइंट है, तो इसे मैनुअली बनाना पड़ता है आपका फायर अलार्म सिस्टम से, HU को और आपका DDC पैनल को, तीनों को इंक्लूड करके बनाया जाता है। जब आपका बिल्डिंग में आग लग जाता है उस स्थिति में आपका HU जो है जितना ट्रिप हो जाएगा, यानी अगर क्या होता कि एग्जॉस्ट वेंटिलेशन फैन बड़ा बड़ा दिया, तो जैसे आग लग गया तो आग का धुआं बाहर निकलना है ना, तो बाकी टाइम में उस एग्जॉस्ट फैन को बंद करके रखता है, आग लग गया तो उस एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका जितना आपका वायरिंग किया गया सारा डिटेल्स एक में, ठीक है, ये एक का जानकारी दिया। दूसरा में सेम इस तरह से दिया हुआ देख लीजिए उतना ही केबल है, और तीसरा में भी आपका उतना ही दिया हुआ, तीसरा में आपका एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया, इसमें आपका जो एक आपका कैसेट यूनिट है तो उसे ऑन करना, हब रूम का जो है आपका कैसेट यूनिट ऑन है, हब रूम का कैसेट यूनिट ऑन ऑफ कमांड जो है DO पॉइंट देना है, वन रन टू कोर को आएगा और इस साइड में उसका जो स्टेटस